रांझी रोटे की संस्थापिका एकता अग्रवाल जी के द्वारा कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से जंग लड़ रहे योद्धा सफाई कर्मियों को अमीनाबाद में बिस्किट, नमकीन, गमछा और सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया तथा पुष्प की वर्षा करके उनका आभार व्यक्त किया और लोगों को भी ऐसे योद्धाओं जैसे डॉक्टर, पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी, सफाई कर्मियों तथा अन्य सभी का आभार व्यक्त करने का संदेश दिया। आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें राशन भोजन सब वितरण कर रहे हैं। अभी आपका क्या कार्यक्रम था? आज हमने सफाई कर्मियों की आज सम्मानित किया। सफाई कर्मियों को आज मैंने उनको गमछे से सम्मानित किया है, साथ में उनको सैनिटाइजर, नमकीन, बिस्किट, चाय से हाँ ये हम करते रहते हैं। और आज सब जो इनको हमने सम्मानित किया है तो एक हमारा हर जगह एक संदेश देना था कि जो हमारे सफाई कर्मी भाई हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी इनकी इज्जत कीजिए। जो हमारे देश के लिए कोरोना का इतना लंबा जंग चल रहा है उसमें ये हमारा साथ दे रहे हैं तो हम लोग का भी फर्ज है कि इनको बहुत सम्मान दिया जाए। कहीं पे भी दिखते हैं ये रोड पे तो मैं चाहती हूँ कि जो आसपास के लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं तो कम से कम इनको चाय पानी ये सब पूछ लें इनसे। आप और भी इस तरीके के कार्य करते रहते हैं? हाँ हम लोग करते हैं इस तरह से। कोई संदेश और आम जन से आप बस हमें यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा पालन करें और मास्क यूज़ करें, सैनिटाइजर यूज़ करते रहें, हर जहाँ पे भी जाएं हाथ धुल लें, अपना साफ करें और सब बस यही है कि बस भीड़ भाड़ मत लगाएं और क्योंकि बहुत लंबी जंग चल रही है बस इतना ही चाहूँगी। नेक्स्ट आयोजन क्या होने वाला है आपका? नेक्स्ट तो बस अभी तो राशन का ही करूँगी और कल मुझे चिनट जाना है राशन देने, चिनट राशन पहुँचाऊँगी। वैसे मेडिकल कॉलेज और बलरामपुर हॉस्पिटल ये सब तो मैं काम कर चुकी हूँ और जो जहाँ से कॉल आती है वहाँ राशन पहुँचाती हूँ। आप लोगों ने मैम आप लोगों ने भी कुछ इनका साथ दिया है, सपोर्ट दिया जी बिल्कुल। आपका नाम मैम? मैं सुधा टंडन हूँ और मैं भी इनके साथ में जुड़ी हुई हूँ और आज यहाँ पर सफाई कर रही हूँ। हम लोगों ने गमछे से उनको सम्मानित किया गया और इसके पहले हमने मरकज पर भी हॉटस्पॉट वाले इलाके में भी हमने वहाँ की टीम को किया और स्टार ऑफिस के सामने है वहाँ पर भी हमने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया है। आज हम लोगों ने यहाँ पे सबको किया है सम्मानित और अपने अंदर बहुत खुशी महसूस हो रही है उन लोगों को सम्मानित करके क्योंकि इस समय हॉटस्पॉट में कोई नहीं जा सकता जो ये लोग वहाँ जा करके इस महामारी में अंदर जाकर के सफाई कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल करके ये लोग दिन और रात लगे हुए हैं, दिन और रात हर जगह हर मोहल्ला हर गली को ये संवार रहे हैं। इनकी तरह भैया आप भी अपने अपने मोहल्ले का ध्यान रखें, अपने मोहल्ले में ऐसे जो ज़रूरी लोग हैं जो लोग अभी भी कार्यरत हैं जो लोग अपनी सेवा दे रहे हैं उनका सम्मान करिए और उनकी हेल्प करिए जैसे भी कर सकती है। मैं ज्योति खरे सिविल डिफेंस से और सांझी रोटी परिवार की मैं 2 साल से सदस्य हूँ और आज तक हमेशा बराबर इनकी हर एक्टिविटीज़ में चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष शामिल रहती हूँ। और आज शाम को हम लोग एपिसेंट रोड पे कुछ मुस्लिम रोजेदार हैं जो कि वेस्ट बंगाल से आके फंस गए थे लॉकडाउन पीरियड में, तो हमको सपोर्ट ग्रुप से पता चला, मैंने तुरंत इनको बताया कि भाभी 9 मजदूर हैं जिनको खाना देना है। हम लोग खाना लेके गए तो पता चला वहाँ 16-17 लोग हैं जिनको 112 ने 3 दिन केवल खाना दिया, उसके बाद मना कर दिया कि अब हम नहीं दे पाएंगे आपको, तो वो अपने घर से पैसा मंगा के मजबूर थे खाने के लिए। फिर हमने उन लोग ने बोला हम रोज़ेदार हैं तो हम लोग को बहुत अफसोस हुआ कि ये तो रोज़ेदार हैं और हम लोग कुछ ऐसा लाए नहीं है। हमने नेक्स्ट डे आने का वादा किया उनसे और उन्होंने एक इतनी अच्छे भाईचारे की मिसाल कायम की कि उन्होंने वो खाना जो बगल की फैमिली परिवार मतलब वेस्ट बंगाल के लोग फंसे हुए थे वो सारा खाना उन्होंने उसको हैंड ओवर कर दिया। तो आज हम शाम को उन लोगों को इफ्तारी फिर से देने जाएंगे और नेक्स्ट डे जाके हमारी पूरी टीम ने सांझी रोटी और सिविल डिफेंस की टीम ने उन लोगों को भरपूर राशन खर्चा दे दिया कि अब उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है। हिंदू मुसलमान बाद में पहले इंसान पहले इंसानियत के नाते और उन्हीं से हम लोग ये गमछे खरीद के लाए कि उनकी कुछ आर्थिक मदद हो जाए जिससे वो घर से ना राशन मंगवाए पैसा मांगे और वो उन्होंने किया 32 गमछे हम लोगों ने खरीदे और हम लोग हमेशा इनके साथ।
एक मोटिवेशन है और लोगों के लिए और मोहल्ले वालों के लिए और लोगों के लिए, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे वो लोग भी कर पाएंगे उनके और मैं बस इतना कहना चाहूँगी सारी जो मुझे देखेंगे और सुनेंगे कि प्लीज़ आप लोग आगे बढ़कर साथ दीजिए लोगों का, घर में रहिए लेकिन आप मदद भी कर सकते हैं घर में भी, तो प्लीज़ इनकी मदद कीजिए और इनका सहयोग बनाए रखिए।